स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइकोटा के बारे में. बेसिडियोमाइकोटा क्या है? बेसिडियोमाइकोटा जो है ये फंजाई का एक ग्रुप है और उसमें क्या आते हैं, उसके अंदर मशरूम्स आते हैं. यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये एक डायग्राम देख रही हैं. ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये मशरूम्स की डायग्राम है. और मशरूम्स क्या है? फंजाई हैं. और फंजाई के किस ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं? वो ताल्लुक़ रखते हैं बेसिडियोमाइकोटा से. अब ये जो बेसिडियोमाइकोटा है इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी, एक और नेम भी यूज़ किया जाता है, और वो जो दूसरा नेम है वो क्या है? वो है क्लब फंजाई. अब ये जो क्लब फंजाई है या जो बेसिडियोमाइकोटा है इसके अंदर कितनी स्पीशीज आती हैं? इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो हैं 25,000, यानी कि 25,000 मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं जो कि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आती हैं. अब इनको बेसिडियोमाइकोटा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी मौजूद होती है, यानी कि ये जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है जो मशरूम की यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेसिडियोकार्प. इसे बेसिडियोकार्प भी कहते हैं और इसे बेसिडियम भी कहा जाता है. ये जो बेसिडियोकार्प है या ये जो बेसिडियम है, इसका नाम जो है वो बेसिडियो जो है वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो स्पोर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बेसिडियो स्पोर्स. अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं इनकी वजह से इनका नाम जो है वो क्या है? बेसिडियोकार्प है. और ये जो ग्रुप है इसे कहा जाता है बेसिडियोमाइकोटा. अब बेसिडियोमाइकोटा क्योंकि फंजाई है और फंजाई की जो बॉडी है वो हमें पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे मिलकर बनी होती है, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हाइफी. अब इनके जो हाइफी हैं, बेसिडियोमाइकोटा के जो हाइफी हैं वो होते हैं सेप्टेट हाइफी. अब सेप्टेट हाइफी जो है वो क्या होते हैं? सेप्टेट का मतलब है सेप्टा, यानी कि इनके अंदर जो है वो एक सेपरेशन मौजूद होती है. यानी कि जब इनके हाइफी इस तरह से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो इस तरह से यहाँ पे इनका हाइफी होता है और बीच में यहाँ पे जो है ये इस तरह से क्रॉस वॉल मौजूद होती हैं. ये जो क्रॉस वॉल होती हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सेप्टा है. यानी कि ये इस तरह के जो हाइफी होते हैं वो होते हैं सेप्टेट हाइफी. अब ये जो बेसिडियोमाइकोटा है इनके अंदर जो मशरूम है, अगर हम उसमें एक स्पेसिफिक मशरूम की बात करें तो वो है अगेरिकस कम्पेस्ट्रस. और ये जो अगेरिकस कम्पेस्ट्रस है ये 70 से ज्यादा कंट्रीज में जो है वो कल्टीवेट की जाती है और एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल की जाती है. अगर हम बेसिडियोमाइकोटा के अंदर बात करें कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, तो इनके अंदर जो है वो दो तरीकों से रिप्रोडक्शन होती है. एक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरी है उसे कहा जाता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब जो इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर पहले हम वो देख लेते हैं, उसके अंदर जो है ये हाइफी जो है ये मिलके क्या बना देते हैं? ये माइसीलियम बनाते हैं. और इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो दो किस्म का होता है, यानी कि जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इसके दो किस्म के माइसीलियम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. एक को जो है वो कहा जाता है प्राइमरी माइसीलियम और जो दूसरा है उसे कहा जाता है कि ये है सेकेंडरी माइसीलियम. अब इन दोनों में जो है वो फर्क क्या है, ये हम अगर इसका लाइफ साइकिल देखें, सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखें, यहाँ पे हमारे सामने जो है ये इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो मशरूम का मौजूद है, इसके अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या जो है वो डिफरेंस है. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो है ये एरिया जो है ये जो है ये क्या है? ये मशरूम है. और ये जो मशरूम है इसके जो है वो तीन पार्ट्स जो हैं ये यहाँ पे दिखाए गए हैं. तीन पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? बेस पे जो है ये एक स्टॉक मौजूद होती है जिसे कहा जाता है स्टाइप, और इसके ऊपर जो है ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कैप. अब ये जो कैप होती है इसके अंदर यहाँ पे जो है ये एक प्लेट्स मौजूद होती हैं. प्लेट्स क्या होती हैं? यानी कि कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं. अब ये जो प्रोजेक्शंस अगर हम इन्हें देखना चाहें कि ये हमें किस तरह की नजर आएंगी, तो हम अपने सामने जो है समझने के लिए ये एक डायग्राम ले आते हैं. ये जो डायग्राम है ये आप देख लें, यहाँ पे इस किस्म की जो है ये प्रोजेक्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं. यानी कि अगर हम इसको बड़ा करके देखें ये वाला एरिया, तो ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये कैप होगी और उसके अंदर इस तरह की जो है ये प्रोजेक्शंस या प्लेट्स जो हैं ये नजर आएंगी. अब ये जो प्लेट्स होती हैं यहाँ पे जो है बेसिडियम मौजूद होता है, और ये जो बेसिडियम है ये क्या है? ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, यानी कि इसके अंदर जो है वो इनके स्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं. अब यहाँ पे जो स्पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो स्पोर्स जो है वो किस तरह से मौजूद होंगे कि यहाँ पे दो, यहाँ पे आप देख सकती हैं, एक ब्राउन कलर का दिखाया गया है जो जिस पे कलर हुआ है, और एक जो है वो जिस पे कलर नहीं हुआ. यानी कि ये यहाँ पे स्टेज दिखाई है कि दो किस्म, दो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यूक्लियाई मौजूद हैं. यानी कि एक ये हाइफी है और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं. अब बेसिडियम जो है ये वो जगह होती है जहां पे ये जो है फ्यूज कर जाते हैं. यानी कि ये दो न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज होंगे और उसके बाद ये क्या बन जाएंगे? ये एक जो है जाइगोट बना देंगे. और ये क्या है? ये दोनों जो है ये हैप्लॉइड है, यानी कि एन एन है. और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये जाइगोट
डाइकोट बना देंगे जो कि 2n होगा। अब हैप्लॉइड क्या है, जिस तरह ह्यूमंस के जो है वो अगर हम उनके बात करें तो ह्यूमन जो है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो है वो 46 क्रोमोजोम होते हैं। अब 46 क्या है, डिप्लॉइड है। अब अगर हम उसका हाफ कर लें 23 तो वो क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा। इसी तरह ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड बना देते हैं, यानी कि ये 2n हो गए जो कि जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर जो है वो मियोसिस होती है। मियोसिस क्या है, मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसके जरिए जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और 4 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या है कि ये जाइगोट जो है जब ये डिवाइड करेगा, इसके अंदर मियोसिस होगी तो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और उन स्पोर्स को क्या कहा जाता है, बेसिडियो स्पोर्स। अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स है यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये जो बेसिडियम का स्ट्रक्चर है इसको अगर हम इलेबोरेट करें तो ये हमें माइक्रोस्कोप में इस तरह से नजर आता है, यानी कि ऐसे लगेगा कि जिस तरह ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स की जो हम प्रोजेक्शन जो है ये आपको नजर आएगा, जिस तरह हाथ होता है बिल्कुल उसी तरह बेसिडियम की स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर यहाँ पे जो है ये स्पोर्स मौजूद है, और ये स्पोर्स क्या है, ये बेसिडियो स्पोर्स है, और ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, यानी कि ये एन है, इन्हें हम एन लिख सकते हैं हैप्लॉइड को। अब ये जो स्पोर्स है ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं हाइफी, और हाइफी जो है वो जो हाइफी आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, माइसीलियम। इसलिए यहां पे जो है वो हमने माइसीलियम लिखा है जो कि इंडिकेट कर रहा है हाइफी के ग्रुप को। अब ये जो स्पोर्स हैं ये प्राइमरी माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स जो है वो दो किस्म के यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी माइसीलियम जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब ये दो किस्म में एक जो है उसके साथ माइनस का साइन दिखाया है और एक के साथ प्लस का। अब ये जो माइनस और प्लस है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप हैं, दो डिफरेंट टाइप जो हैं जब ये आपस में मिलती हैं, यहां पे आप देख सकते हैं इसका पार्ट और इसका पार्ट मिला है, और ये क्या बन गया है, ये सेकेंडरी माइसीलियम बन गया है। अब ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है जब ये डेवलप होगा, इसकी जर्मिनेशन होगी, तो यहां पे पहले जो है आपको एक बटन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और फिर इसकी ये ग्रोथ होगी और ये क्या बन जाएगा, ये मशरूम बन जाएगा। ये क्या है, ये है इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल, यानी कि जो इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो यहाँ पे आपको अपने सामने जो है वो कुनिडिया नजर आ रहे हैं। कुनिडिया जो है ये क्या है, ये सर्कुलर बॉडीज होती हैं, ये भी स्पोर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, और ये लाइट वेट स्पोर्स जो है ये किस चीज पे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एक स्टॉक पे, और उस स्टॉक को कहा जाता है कुनिडियोफोर। ये जो कोनिडियोफोर है ये किस चीज पे ग्रो करती है, ये जो स्टॉक है ये किस चीज पे ग्रो करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइफी जो है इसके ऊपर ये एक स्टॉक डेवलप हुई है जिसे कहा है कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर जो है ये सर्कुलर बॉडीज हैं जिन्हें कहा गया है कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया हैं जब भी एयर चलती है, विंड चलती है, तो ये जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होकर जब ये किसी नई जगह पे जाते हैं और वहां का एनवायरमेंट अगर फेवरेबल हो तो ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेशन के बाद ये क्या बना देते हैं, दोबारा से हाइफी बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, और दोबारा से एक नई जो है बॉडी जो है वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम मशरूम के अलावा बात करें तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है वो रस्ट एंड स्मर्ट्स भी जो है वो इन्वॉल्व है। रस्ट और स्मर्ट्स जो है ये क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये है प्लांट पैथोजेंस। अब ये जो प्लांट पैथोजेंस हैं अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें डिजीज जो है कॉज करते हैं, तो ये हमें किस तरह से नजर आते हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम रख लेते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है, ये रस्ट एंड स्मर्ट की है, और ये किसने कॉज किया है, ये फंजाई ने कॉज किया है, और वो कौन से फंजाई हैं, ये है बेसिडियोमाइकोटा। इनके बारे में जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।